Can't lose fat and परेशान हो with a big butt. It's not you, it's your gut. कोशिश कर रहे हो diet और workout, लेकिन fat loss होता नहीं है क्योंकि body कहती है चल हट. We learn everything about keto and gut health in this video. Hi, welcome to this brand new video. I'm Rahul Kamra, founder of KetoRets. And in this video, we're going to talk about your gut health. How is it important? Is it important for your fat loss? Kya aapka digestion sab kuch control karta hai? A lot of times, what we do is we make a mistake of just calculating the diet. Hume calorie calculation kar rahe hain. Hume pata hai hum protein fat ratios ko dhang se follow kar rahe hain. Ek ketogenic diet ko follow kar rahe hain. But we do not emphasize on the fact that your digestion and your absorption is going to happen in your gut. In your digestive trachea. इसके कैसे reactions होंगे? खाने के बाद में do you have some kind of fatigue? Do you also feel acidic if you don't eat for a longer period of time? If you also feel pukish, if you smell something and you feel pukish, these are all signs of your digestion. Digestion आपकी आँख और नाक से start होता है, and this is where when you look at any kind of food, when you smell that food, you start deciding whether how your body is going to digest it. कितना tasty है ये? काफी लोगों से आपने सुना होगा कि यार इसकी smell बड़ी अच्छी आ रही है. रात में चावल की smell सूंघते ही तो मतलब मेरा मन करता है कि मैं सब कुछ खा जाऊँ. That is where your digestion starts. So when you see that your digestion is going through, the food goes from your mouth, goes to your digestive trachea, goes to your intestines and gets digested and then excreted. So ek simple tarike se agar hum samjhe, there is obviously ingestion, which is you eating food, there is digestion, there is absorption and there is excretion. We need to understand these four aspects of anybody who is consuming food. At the end of the day, aapke agar gut health mein kafi zyada issues hai, to na hi aap fat loss kar payenge, aap saath mein inflammation body ko badhayenge, uske alawa aapke बॉडी फैट ज्यादा स्टोर करेगी, मेटाबॉलिक एफिशिएंसी पे सवाल उठेगा, मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी पे सवाल उठेगा, ओवरऑल फैट लॉस के अलावा भी आप अपने आप को स्लगेश जरूर देखेंगे. काफी लोगों को आप जानते हैं जो ऑफिस में खाना खाने के बाद में एकदम सुबह नींद आने लगती दोपहर को. ओहो, सो सच अ क्यूट बेबी, आई मस्ट टेल यू, कितनी नींद आ रही है. ओहो, खाना तो सारा खा लिया लेकिन ध्यान नहीं दिया है, खा करके सोने जा रहे हैं. वाओ, यही तुम्हारी प्रोडक्टिविटी है. दैट्स राइट. इस वीडियो को हम डिवाइड करेंगे इनटू फोर चैप्टर्स. चैप्टर है 4, कीटो एंड गट से है आपको प्यार. चैप्टर 1, द गट माइक्रोबायोम एंड कीटो डाइट डायनेमिक्स. सबसे पहले चैप्टर के बारे में बात करने से पहले थोड़ा गट माइक्रोबायोम के बारे में समझते हैं. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म वेयर लॉट ऑफ गुड बैक्टीरियाज एंड बैड बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन योर गट. इनका एक अपना बैलेंस होता है. दिस ऑल्सो अफेक्ट्स योर हेल्थ, दिस ऑल्सो अफेक्ट्स योर इम्यून सिस्टम. अगर आपका गट खराब है तो काफी कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि खाना आप खा लोगे, बॉडी उसको डाइजेस्ट ठीक से नहीं करेगी, यूटिलाइज ठीक से नहीं करेगी, केमिकल्स वुड नॉट बी रिलीज्ड, हार्मोन्स वुड नॉट बी रेगुलेटेड, डाउन रेगुलेशन अप रेगुलेशन नहीं होगा, यू विल नॉट बी सैटिस्फाइड, एंड एट टाइम्स व्हेन योर अब्सॉर्प्शन गेट्स अफेक्टेड, इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर ओवरऑल न्यूट्रिशन प्रोफाइल फॉर द बॉडी. सो मैनेजिंग योर गट इज वेरी क्रिटिकल फॉर यू टू मेक श्योर दैट यू लीड अ हेल्दियर लाइफस्टाइल. एक स्टडी ये भी कहती है कि दो आइडेंटिकल ट्विन्स में सिर्फ उनकी गट ही डिफरेंस होता है, अगर वो बिल्कुल टिपिकली आइडेंटिकल ट्विन्स है तो. हमारा गट जो है वो अपने आप सबसे यूनिक है. गट आपका एक तरीके से आधार कार्ड है, मास आधार कार्ड समझ लीजिए इसको. काफी बकवास जोक था ये, नहीं बोलना चाहिए था मुझे. So, आप समझते हैं कीटोजेनिक डाइट से कैसे चीजें डिफरेंस होती है. द मोमेंट व्हेन यू कट डाउन ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड ईट हाई फैट्स एंड एडिक्वेट प्रोटीन. कीटो डाइट के बारे में जानना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में. इंडियन कीटो डाइट पूरी प्लेलिस्ट है, सब सीख जाओगे कीटो के बारे में. नीचे जाकर के डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट करना आफ्टर यू वॉच द वीडियो, बीच में छोड़ के मत जाना. आगे चलते हैं. सो व्हेन यू अडॉप्ट योर कीटोजेनिक डाइट व्हिच इज हाई फैट एडिक्वेट प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट्स, यू सी दैट द बॉडी स्टार्ट्स रिएक्टिंग स्लाइटली डिफरेंटली. क्योंकि जब आप इसमें अपने डाइट में शिफ्ट करते हो, दिस इज अ मेटाबॉलिक स्टेट शिफ्ट व्हिच यू आर मेकिंग. आपकी बॉडी एग्जिस्टिंग फैट और डाइटरी फैट को यूटिलाइज करती है, ज्यादा ATPs प्रोड्यूस करती है. मैंने पिछली काफी सारी वीडियोस में इस बारे में बहुत एम्फसाइज करा है कि आपके एनर्जी लेवल्स बेटर होते हैं. बट देयर इज अ 2020 स्टडी व्हिच आल्सो शोस दैट योर गुड बैक्टीरिया इंक्रीजेस एंड योर बैड बैक्टीरिया डिक्रीजेस. बैड बैक्टीरिया व्हिच इज रिलेटेड टू ओबेसिटी. सो इसके अंदर जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस वो भी ठीक होता है. एक और स्टडी ये भी दिखाती है आपके गट ब्रेन एक्सेस में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है. व्हेनेवर आई टॉक अबाउट द कीटोरेट्स मेथड, आई टॉक अबाउट गैस्ट्रिक कॉग्निसेंस. गैस्ट्रिक कॉग्निसेंस मेरा एक अपना बनाया हुआ शब्द है व्हिच इज रिलेटेड टू योर गट हेल्थ एंड योर ब्रेन connection. Good food makes everybody happy. Simple as that. But एक बड़ी simple सी study Journal of Physiology ने करी थी 2019 में, which also emphasized on the fact that when you adapt to ketosis, your gut-brain axis improves, your neurotransmitters also get activated, which can affect your mood and improve your cognitive functions. मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने जितने भी लोगों के साथ काम करा है जिनको एंजाइटी या डिप्रेशन था, जब वो कीटोजेनिक डाइट पे शिफ्ट होते थे, बिकॉज ऑफ हाई फैट्स दे यूज्ड टू फील मच मोर सैटिस्फाइड, द डाइजेशन यूज्ड टू इम्प्रूव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, व्हिच यूज्ड टू ऑल्सो एलिवेट देयर मूड एंड इम्प्रूव देयर ओवरऑल पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ. एक और स्टडी ये भी शो करती है कि आप अपने IBS और IBD के इश्यूज काफी ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं व्हेन यू अडैप्ट टू कीटोजेनिक डाइट, बिकॉज आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो इश्यूज है
है उनका मेजर रीजन ये भी होता है कि अगर आप ज्यादा एक्सेस प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं। सो द मोमेंट व्हेन यू शिफ्ट टू कीटोसिस आप काफी ज्यादा डिसिप्लिनरी रूटीन पे काम करते हैं और काफी ज्यादा लोग इस टाइम पे ये भी ध्यान देते हैं कि वो थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करें विच कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव योर गट हेल्थ एज वेल। अब हमने बेसिक समझ लिया कि गट माइक्रोबायोम और कीटो डाइट के साथ में कैसे डायनेमिक्स है, कैसे उसके फायदे भी हैं, कैसे स्टडीज भी इसको सपोर्ट करते हैं। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर टू। चैप्टर नंबर टू द रोल ऑफ फाइबर इन कीटो इंड्यूस्ड गट हेल्थ। क्या आप अगर कीटोजेनिक डाइट पे तो अपनी गट हेल्थ को इंप्रूव कर रहे हैं लेकिन फाइबर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा? ये काफी सारी स्टडीज और काफी सारे लोग क्लेम भी करते हैं व्हेन यू अडैप्ट योर कीटोजेनिक डाइट इट कंप्लीटली इरैडिकेट्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड योर बॉडी लूजेस अ लॉट ऑफ फाइबर। फाइबर इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बहुत अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज, बट फाइबर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बैलेंस आउट फाइबर स्पेसिफिकली विद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऑल्सो इंक्लूडिंग सम साइलम हस्क और चिया सीड्स इफ यू आर कॉन्स्टिपेटेड। फाइबर नॉट ओनली जस्ट फीड्स योर गट माइक्रोबायोम but it also helps you to balance out blood sugar, cholesterol levels, overall digestion आपको बहुत अच्छी तरीके से ठीक करेगा। साथ में अगर आप constipated हैं तो बहुत बड़ी problem हो जाएगी because आप बारी बारी अपने gut health के साथ में खेल रहे हैं which can lead to IBS as well। So, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कीटोजेनिक डाइट पर अडॉप्ट कर रहे हैं आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, लीफी ग्रीन्स और बहुत सारी चीजें इंक्लूड करें फाइबर इनटेक के लिए। इट इज क्रिटिकल फॉर यू टू बैलेंस आउट योर फाइबर इनटेक व्हाइल यू आर अडॉप्टिंग टू कीटो। कीटो में सिर्फ हाई फैट्स और एडिक्वेट प्रोटीन और मैक्रोस कैलकुलेट करके सब कुछ काम नहीं चलेगा। यू विल हैव टू फोकस ऑन योर कॉन्स्टिपेशन, यू विल हैव टू फोकस ऑन एसिडिटी, ब्लोटिंग इफ यू हैव। अगर आप एंड तक रहेंगे इस वीडियो पे तो आई विल अटैच अ वीडियो फॉर यू व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर फाइबर इनटेक एंड हाउ यू कैन मैनेज योर ब्लोटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन। प्रैक्टिकल सेंस में अगर आप फाइबर को बैलेंस करना चाहते हैं एटलीस्ट आपको 8 कप्स ऑफ वेजिटेबल्स रफली अराउंड 200 टू 250 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स हर दिन खानी चाहिए एंड यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ योर एंटायर डाइट एज वेल विद इंक्लूडिंग enough fats, enough protein and not high protein, नहीं तो आपका fiber कम पड़ जाएगा और आपको constipation होगा। With this, yes, it is important for you to focus on water intake as well. It is important for you to also include white salt mixed with Himalayan pink salt. ये बहुत ज़्यादा critical है। थोड़ा सा off topic जाते हुए काफी लोग इस बारे में कहते हैं कि carnivore keto हमारे लिए बहुत ज़्यादा helpful है। I have seen specifically people from Indian diaspora, if you're staying somewhere international or if you're staying in India, a ketogenic diet with a carnivore approach may not be very comfortable for your gut. क्योंकि आपको बचपन से आदत है फाइबर ज्यादा खाने की। काफी सारे न्यूट्रिशनिस्ट ये भी कहते हैं हमारी इंडियन डाइट सुपर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स है, सुपर रिच इन फाइबर है, इट इज सो मच ऑफ फाइबर विच वी कंज्यूम। सो हमारी बॉडी एकदम से शिफ्ट होकर के कंप्लीटली आउट ऑफ फाइबर पे नहीं जा सकती है। माय रिकमेंडेशन इज टू इंक्लूड वेजिटेबल्स एंड सीड्स एज वेल विच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू टू गेट इनफ फाइबर। सो अभी तक हमने समझा कि कैसे आपका गट माइक्रोबायोम काफी ज्यादा हैप्पी हो जाता है जब आप कीटो पे शिफ्ट हो जाते हैं एंड कैसे आपको फाइबर की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर आई अपील यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल प्रेसिंग द बेल आइकन, उस बेल आइकन बैठ जाइए लेकिन आप आगे की वीडियोस मिस ना करें। सो कमिंग टू चैप्टर नंबर 3 बैलेंसिंग प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स इन कीटो। सबसे पहले समझते हैं प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स में फर्क क्या होता है। प्रीबायोटिक्स एक फाइबर जो आपकी बॉडी को डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा। प्रोबायोटिक्स है जो आपके ऑर्गेनिज्म के साथ में रह सकता है। एक एग्जांपल देता हूं, प्रोबायोटिक्स इज दही, प्रीबायोटिक्स कुड बी साइलम हस्क और चिया सीड्स व्हिच हेल्प्स यू टू मेक श्योर दैट यू हैव बेटर डाइजेशन। इन दोनों का बैलेंस आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने काफी ज्यादा इस बारे में स्टडी करी थी कि प्रीबायोटिक्स अगर आप लेते हैं जैसे कि अनियन गार्लिक भी प्रीबायोटिक्स में कंसिडर होता है विद ऑल्सो हैविंग सम चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सम इंक्लूडिंग ऑफ सीड्स, सम लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड अगर आप प्रोबायोटिक्स लेते हैं विच इज दही, केफीर, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स, ये ओवरऑल आपके गट हेल्थ को काफी ज्यादा इंप्रूव करता है जब आप कीटोजेनिक डाइट पे होते हैं। बिकॉज आप एक हेल्दी मूव तो कर ही रहे हैं, एक मेटाबॉलिक शिफ्ट पे जरूर जा ही रहे हैं लेकिन आपको ये चीज का जरूर ध्यान रखना है कि आप प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स दोनों इंक्लूड करें। सो इंक्लूडिंग दिस प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स कैन इंप्रूव योर गट हेल्थ एंड दिस कैन इवेंचुअली अफेक्ट योर फैट लॉस एज वेल, दिस कैन इंप्रूव योर इम्यूनिटी, दिस कैन आल्सो हेल्प यू विद अ लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स। काफी लोगों ने काढ़ा पिया था कोविड के टाइम पे इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए। एक बात आप ये समझ लीजिए आपकी इम्यूनिटी अपने गट हेल्थ से काफी ज्यादा इंप्रूव होगी। सो डाइटरी इंप्लीकेशंस कैसे करेंगे आप इसको प्रैक्टिकल सेंस में कि सबसे पहले आप कीटोजेनिक डाइट की अपनी कैलकुलेशंस करेंगे, कितना प्रोटीन, कितना फैट्स, कितने कार्ब्स, कितने हिसाब से आप खा रहे हो, किस तरीके से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कौन सा वर्कआउट कर रहे हो, कौन सी स्लीप एक्टिविटी हो, वाटर पे आप फोकस कर रहे हो, सो पे फोकस कर रहे हो, देन आपने कैलकुलेशंस करने हैं कि आपके प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स में कितने मैक्रोस हैं, उनको कैसे फिट करोगे अपनी डाइट में। जब आप इसको सब तरीके से फिट करोगे यू विल सी इवेंचुअली इन अ मैटर ऑफ जस्ट 90 डेज यू विल सी अ लॉट ऑफ रिलीफ इफ यू हैव गट इश्यूज। और गट इश्यूज को अगर इश्यूज हैं तो ही उसको इशू बोलना है। गोइंग टू अ डॉक्टर एंड टेलिंग देम कि आई हैव गट इश्यूज इज एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। आपको यह बताना पड़ेगा कि आपको सिम्टम्स क्या है, जिससे कि आप अगर किसी डॉक्टर से भी बात करते हैं, कोई प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स लेते हैं या आप अपने ओवरऑल हेल्थ के लिए कोई एंटासिड भी लेते हैं, कभी कभी आपको बहुत ज्यादा अनईजी फील हो रहा हो तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड हैव अ लिस्ट ऑफ सिम्टम्स व्हिच यू आर गोइंग थ्रू। बट ये प्रैक्टिकल टिप्स में अगर आप इसको अप्लाई करेंगे अपनी कैलकुलेशंस करके तो इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर हेल्थ।
सो चैप्टर नंबर 4 है इन्फ्लेमेशन, गट हेल्थ एंड कीटोजेनिक डाइट। इन्फ्लेमेशन के बारे में मैंने पहले भी बात करी है काफी ज्यादा कि कैसे कीटो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की तरह काम करती है। बट व्हेन यू अडैप्ट टू कीटोसिस योर गट हेल्थ स्टार्ट्स इंप्रूविंग बिकॉज ऑफ ओमेगा 3 व्हिच इज प्रेजेंट इन गुड फैट्स। आप काफी ज्यादा फैट्स को चूज करते हैं। तो नीचे जो मैंने लिंक डाला उसके अंदर आप सेकंड चैप्टर पे जरूर क्लिक करिएगा, यू विल गेट टू नो व्हाट टू ईट ऑन कीटो। एंड एक मेरी सिंपल सी रिकमेंडेशन सारे कीटो रेट्स मेंबर्स से होती है, जब भी मैं उनसे फर्स्ट कॉल पे बात करता हूं, मैं कहता हूं जो भी आपको कीटो के नाम पे मिले उसको मत खरीदिए, ब्रांड्स को अवॉइड करिए, प्रोसेस फूड को अवॉइड करिए, आपकी गट हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन ऑल ऑफ दिस एंड योर कीटोजेनिक डाइट विल हेल्प यू विद एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स। अगर आपका गट हेल्दी होगा तो उससे रिलेटेड आपके फैट लॉस भी होगा, ओवरऑल आपको बेटर फील होगा। अ बैलेंस्ड एंड डाइवर्स गट कैन एक्चुअली हेल्प यू विद अ लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, विद ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स एंड ओवरऑल नॉट फॉलिंग सिक। तो ये क्या है जो आपके इन्फ्लेमेशन कम होगा विद कीटोजेनिक डाइट और गट हेल्थ के बारे में? काफी लोगों का सवाल होता है यार मेरी गट हेल्थ कब तक ठीक होगी। एटलीस्ट 8-12 वीक्स आपको एक स्ट्रिक्ट फॉर्मुलेटेड प्लान्ड कीटोजेनिक डाइट पे रहना ही है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि चमत्कार एक दिन में नहीं होगा। यू डिडंट स्पॉइल योर गट हेल्थ इन जस्ट वन डे, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, हेंस इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू ऑल्सो बैलेंस आउट। तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं दैट कीटोजेनिक डाइट इज नॉट जस्ट अबाउट ईटिंग हाई फैट्स एंड एडिक्वेट प्रोटीन और रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट योर गट सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर रिजल्ट्स। फैट लॉस 90% लोगों का होता नहीं अगर उनका डाइजेशन ठीक नहीं होता है। प्लस एक चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप अपने ओवरऑल रूटीन, ओवरऑल डाइट के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हो एज पर हाउ यू फील। अगर आपको कोई गट इश्यूज नहीं है, स्टिल यू शुड टेक सम प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड यू शुड मेक श्योर दैट यू हैव प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स डिपेंडिंग अपॉन हाउ योर डाइजेशन इज। सो बिफोर आई लीव, काफी पहले वीडियो पे कमेंट आया था कि काफी सारी स्टडीज जो है वो इंटरनेशनली क्यों प्लेस्ड है, हमारे इंडिया में इतना स्टडीज नहीं होती। इंडिया में भी स्टडीज होती है बट दे आर नॉट पब्लिश्ड एट अ वेरी हायर लेवल दैट दे कैन बी एक्सेस वेरी इजिली। बट यस, देर आर डेफिनेटली ग्रुप्स दोज़ हू टॉक अबाउट गट हेल्थ एंड देर आर डॉक्टर्स आल्सो दोज़ हू टॉकिंग अबाउट गट हेल्थ इन इंडिया एज वेल। देर आर लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स इन द मार्केट, उसके ऊपर मैं आपको व्यू पॉइंट देता हूं। सप्लीमेंटेशन इज ओनली गोइंग टू बी एड ऑन टू योर फूड अगर आपके खाने की हैबिट्स ठीक नहीं है। अगर आप एक प्रोसेस्ड डाइट खाते हो, अगर आप ज्यादा प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, तो कोई भी सप्लीमेंट ले लो उससे आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टार्ट वर्किंग होलिस्टिकली टुवर्ड्स योर गट हेल्थ इफ यू हैव गट इश्यूज। सो आई होप यू फाउंड द वीडियो वेरी यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल प्रेसिंग द बेल आइकन। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई देसी तरीके समझ में आ जाए हाउ टू मैनेज योर ब्लोटिंग एंड योर कॉन्स्टिपेशन, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दिस वीडियो। इस वीडियो से आप मुझे बाद में बोलेंगे थैंक यू कमेंट्स में आकर के, लेकिन इस वीडियो को चेकआउट करना मत भूलिएगा। दिस इज लाल कामरा साइनिंग off. See you in the next one.